Priyank from Jind. I am BPT first year student in Pandit Deendayal Upadhyay University of Health Sciences, Karnal. जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ बातें होती हैं जो अक्सर हम कह नहीं पाते और वो कविताओं के जरिए जाहिर हो जाते हैं। तो एक दफा क्या हुआ, किसी ने मुझसे कहा कि थोड़ा सीरियस रहा करो जिंदगी में। ये जिंदगी है, कोई जोक नहीं। मैंने भी उन्हें हंसकर कह दिया कि जनाब बचपने में जीने दीजिए मुझे, क्योंकि समझदारी में जीने का मुझे भी शौक नहीं। कभी अपना कह सीने से लगा लेना मुझे, क्योंकि गैरों से हाथ मिलाने का मुझे भी शौक नहीं। सजा लेना मुझे अपनी हंसी में ही कहीं, क्योंकि अश्कों में बह जाने का मुझे शौक नहीं। उलझा सा रहने दो मुझे, कि मशरूफियत पर भी बात आ ही जाती है। उलझा सा रहने दो मुझे, मुझ में ही कहीं बिखर कर सुलझा सुलझा रहने का मुझे शौक नहीं। हूं मैं इंसान अलहड़ फकीरी तासीर है मेरी, फक्त गहनों में सच जाने का मुझे शौक नहीं। ये रूह की आवाज है जो लबों पर रहती है मेरे, खाम खा बुरा बन जाने का मुझे भी शौक है। अब जब बात शेरो शायरी की हो रही है, तो प्यार मोहब्बत का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस पर भी चंद लाइन है, कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं सुनाऊंगी। कि हाले दिल मेरा कुछ यूं छुपा लेती हूँ, कभी लफ्ज़ बदल देती हूँ तो कभी नजरें झुका लेती हूँ। इजहार-ए-मोहब्बत मेरा वो कुछ यूं जान लेता है, कभी मेरी नजरें पड़ता है तो कभी मेरे होठों की हंसी पहचान लेता है। बात सिर्फ मोहब्बत तक, प्यार तक, इन चीजों तक भी हम सीमित नहीं रख सकते। तो बात आती है कि हालात क्या हैं आज के हमारे देश के, तो उस पर भी मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। मुल्क में मेरे अक्सर ऐसा भी होता है, फंदे पर वही झूलता है जो पूरे देश का पेट भरकर सोता है। अनाज सड़ता है यहाँ गोदामों में और सड़कों पर बह रहा कभी दूध होता है। कौन जानता है किसी बस्ती में कोई भूखे पेट भी सो रहा होता है। हाँ, मुल्क में मेरे अक्सर ऐसा भी होता है। पर कौन करे और क्या करे इस बारे में, इस सवाल के कटघरे में खड़ा मेरे देश का हर युवा होता है। हाँ, मेरे मुल्क में ऐसा भी होता है। मेरे जैसे जब उठती है छोटी सी आवाज कहीं कि ये तुम्हारा काम नहीं है सोचने वाले और बहुत हैं। उस छोटी सी आवाज का अक्सर ये कहकर दमन होता है। हाँ, मेरे मुल्क में ऐसा भी होता है, मेरे मुल्क में ऐसा भी होता है। और जब उठते हैं ऐसे सवाल, तो उन सवालों के कटघरे में खड़ा मेरे देश का हर युवा होता है। हाँ, मुल्क में मेरे ऐसा भी होता है। थैंक यू।